कहते हैं इंसान का मन उससे कुछ भी करा सकता है। इंसान जो ठान ले वह कभी कभी उसके लिए मुसीबत भी खड़ी कर देता है। वैसे ही प्यार यानी इश्क का रोग है, जिसको लग जाए वह उससे बच नहीं सकता। नमस्कार, मैं शेखर उपल आपका स्वागत करता हूं ग्राउंड रिपोर्टर के खास एपिसोड में, जिसमें हम आपको बताएंगे किस तरह से एक सिरफिरे आशिक ने एक भोजपुरी एक्ट्रेस को अपने कब्जे में कर लिया। बमुश्किल पुलिस को उससे पीछा छुड़ाना पड़ा। बता दें कि भोजपुरी सिनेमा की फेमस एक्ट्रेस रितु सिंह, जो कि एक बहुत अच्छी गायिका भी हैं, जिनका एक गाना लगाई के फेयर एंड लवली काफ़ी फेमस हुआ, जिसके बाद इनको प्रसिद्धि मिलती चली गई। वहीं इनके फैन फॉलोअर्स भी बढ़ते चले गए। कई फैंस तो इनके नॉर्मल थे, लेकिन एक फैन ऐसा था जो इनके नाम से पागल हो गया था। सोनभद्र में जब रितु सिंह के एक मूवी की शूटिंग चल रही थी, उस समय यह सिरफिरा आशिक उनके होटल में पहुंच गया। जैसे ही होटल में रितु सिंह पहुंची, तो इन्होंने बंदूक के दम पर रितु सिंह को एक कमरे में बंद कर लिया। वहीं कहने लगा कि मुझे तुमसे शादी करनी है। ये फैन था या एक पागल, इसका कहना अभी मुमकिन नहीं है, चूंकि इससे बात नहीं हो पाई है। हम आपको बताते हैं आगे क्या हुआ। हालांकि हुआ ये जब सिरफिरे आशिक पंकज यादव ने रितु सिंह को अपने बंदूक की नोक पर कमरे में बंद किया, उसके बाद एक होटल कर्मचारी कमरे में घुसने की कोशिश कर रहा था, तब पंकज यादव ने उस पर गोली चला दी, जो कि उसके जांग में लगी। वहीं मौके पर पुलिस अधीक्षक भी पहुंच गए। चूंकि मामला हाई प्रोफाइल था, तो पुलिस अधीक्षक का पहुंचना भी लाजमी था। पंकज यादव ने एक और फायर किया, जो कि पुलिस अधीक्षक सलमान खान पाटिल के कान के बगल से निकल गया, जिसके बाद पुलिस ने बमुश्किल इस सिरफिरे आशिक को पकड़ा और हिरासत में ले लिया। बता दें कि पंकज यादव पिछले कई सालों से, यानी कि जिस दिन से फेयर एंड लवली वाला गाना मशहूर हुआ है, उसके बाद से रितु सिंह का दीवाना हो गया था और उनसे शादी बनाने का मन बना चुका था। वहीं रितु सिंह जो कि एक्ट्रेस है, उनका कहना है कि पिछले 2-3 सालों से पंकज यादव उन्हें हर जगह फॉलो करता है। जहां भी उनकी शूटिंग होती है ये पहुंच जाता है, जिसके बारे में उन्होंने कई जगह पुलिस में कंप्लेंट भी लिखाई, लेकिन अभी तक इस आशिक की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। वहीं इतने बड़े मामले के बाद जहां कोई एक हादसा भी घटित हो सकता था, सलमान खान पाटिल जो कि पुलिस अधीक्षक हैं सिंगरौली के, उनकी सूझबूझ एवं सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया और पुलिस कर्मियों ने पंकज यादव को हिरासत में ले लिया। लेकिन इसके बाद भी पंकज यादव के ठाट कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। उसको अभी भी रितु सिंह से शादी करना है, उसका भूत उसके दिमाग से उतरने को तैयार नहीं। पंकज यादव कंधा है, वो पिछले 2 साल से मेरा पीछा कर रहा है। उसके खिलाफ मैंने हर जगह हर थाने पे FIR कर रखा है। उसे बात करने की बहुत कोशिश की, कि समझाने की कोशिश की, उसके फैमिली वालों से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की, पूरी इंडस्ट्री को पता है ये बात, भोजपुरी इंडस्ट्री को, और FIR मैंने कर रखा है। और उसका कब भी ब्लॉक करने पे मैसेज कॉल व्हाट्सएप नए नए नंबर से आना, धमकी भरे, गाली गलौज अभी चालू होने लगा है। बीच में उसने फेक सुसाइड भी डाला था अपना फेसबुक आईडी पे। उसके बाद मुझे मारने की कोशिश की, मुझसे मिलने की बार बार कोशिश की, लेकिन पता नहीं कैसे आज मैं अपने रूम में थी, सो रही थी, नाइट शिफ्ट था कल, अभी कॉल टाइम था नहीं हमारे पास, तो मेरे रूम में नॉक किया, मुझे लगा मेरा स्टाफ है, क्योंकि मेरे स्टाफ में हेयर मेकअप और बॉय होते हैं, वो आज मुझे लगा वही है। मैंने देखने की भी कोशिश की, तो मुझे उसका फेस दिखा नहीं। मैंने खोला तो मैंने देखा इसका फेस, तो मैंने उसको बाहर जाने की बात बोली अच्छे से, कि बाहर जाओ, क्योंकि मैं गुस्से में थी, उसको देख के ही मैं सरप्राइज थी, वो बाहर नहीं जाना चाहता। यहाँ मुझे पकड़ के मेरे दरवाजे के पास मुझे मारना चाहूँ, तो उसका वो गोली शायद मिस हो गया होगा, यहाँ पे मुझे मारना चाहूँ, यहाँ पे पिस्टल उसके हाथ में था। फिर मैंने बोला कि कुछ नहीं कर सकता, मैंने उसे रिक्वेस्ट की काफ़ी, ठीक है बैठते हैं, क्या चाहते हो, क्या बात है। मैंने बोला कि बात करनी है, ठीक है ठीक है बात करते हैं आराम से, मैंने तो बात करूँ, मैंने बात करते हैं आराम से। और मैं उसको ने बैठ गई अपने, और वो नहीं ठीक है, आज मेरे हाथ में सब कुछ है, तुम मुझसे मिली नहीं आज तक, क्या गलती की थी मैंने, कुछ नहीं था, और हाथ बकवास करने लगा। मैंने उसे उससे बरसने करने की कोशिश की, अभी जबरदस्ती करने की कोशिश की, टाइप ऑफ रेप करना चाहा। फिर पुलिस टाइम भी पहुँच गई वहाँ पे, और फिर उसने बाहर के लोग दरवाजा तोड़ना चाहा, मेरे को यूनिट को हवाई फायर करके मारना चाहा। आप बता दो ना ये बात, बता दो कि वहीं तो बैठ हैं साथ में आ रहे हैं सर।
मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया उसने, जहाँ तक हो सका मेरे लोगों को कॉन्टेक्ट जब किया, कुछ लोगों को पता हो गया कि हमारी फैमिली किसने बाहर से फ़ोन किया, मेरे घर वालों को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, एनी हाउ मैंने अपने नंबर पर परिवार वालों को शेयर किया, अपने स्टाफ को, मैंने बात की सबसे, और मेरी फैमिली आ रही है अभी, मेरे फैन से आ रहे हैं और मेरी फैमिली आ रही है, मम्मी पापा आ रहे हैं। एक क्रू मेंबर्स लगभग 70-80 लोग वहाँ रह रहे थे, और इसी में एक लेडी आर्टिस्ट जो है उनका नाम श्रीमती रितु कौरव सिंह, रूम में एक ज़बरदस्ती एक लड़का जिसका नाम पंकज यादव है, जो 2-3 साल से उनके पीछे लगा हुआ था, और ये चाहता था कि ये भी इसको रिस्पॉन्स करें और इनके साथ शादी करने के नियर से पीछे लगा रहता था 3 साल से, मगर ये लगातार उसको मना कर रही थी, और हर जगह जहाँ भी ये जाती थी पूरे इंडिया में ये पीछा करते हुए इनके जाता था, बम्बई और भी अन्य शहरों में। और इसी क्रम में आज लगभग 11:30 बजे इनके कहने के अनुसार इनके रूम में ये जैसे ही नॉक किया, इन्होंने दरवाज़ा खोला तो ज़बरदस्ती अंदर घुसाया, इसके हाथ में एक लोडेड पिस्टल थी और एक एक्स्ट्रा मैगजीन भी थी जिसमें पूरी गोलियाँ उसमें भरी हुई थी, और इसने इनको डराना धमकाना शुरू किया, और वहाँ पर इनके अनुसार इनको मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, इंस्पेक्टर रॉबर्ट गंज अपने फोर्स के साथ मौके पर पहुँचे, और मुझे बताया गया, तुरंत मैं भी मौके पर पहुँचा और उनको लगातार उस पंकज यादव से हम लोग बातचीत कर रहे थे, उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो पिस्टल की बैरल हमारे तरफ पॉइंट करके ही हमसे लगभग 7-8 मीटर की दूरी से बात कर रहा था, करीब आने नहीं दे रहा था। फॉर्चुनेटली लड़की सेफ है और उसको कोई चोट नहीं पहुंची है, कमरे में कम से कम 3 हवाई फायरिंग के निशान हैं, 2 लड़की पर उसने किए थे, 1 मुझ पर किया था, और एक फायरिंग जैसा बताया जा रहा है जो पब्लिक बाहर से उनको छुड़ाने के लिए समझाने के लिए आ रही थी, उनके क्रू मेंबर्स आ रहे थे, उनके उस दिशा में भी फायरिंग किया है, तो एक लड़की के चोट लगने का अभी तक इन्फॉर्मेशन मिला है, उसको वेरीफाई कर रहे हैं या गोली से लगी है उससे चोट या वहाँ भाग